हाय फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है हम लोग का वीरे। हम आपको वीरे में दो चीज़ सिखाने वाले हैं, एक है वीरे लाइट एंड एक है वीरे टू साइड मटेरियल। ये जो टू साइड मटेरियल है ये बहुत ही ख़ास मटेरियल है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड ये मटेरियल दोस्तों बहुत कम इंस्टीट्यूट में बताया जाता है ये टू साइड मटेरियल, और ये एक्चुअली में बहुत जगह लगता है। बट बहुत लोग क्या करते हैं, ये चीज़ ना लगा के कुछ और टूल का यूज़ कर लेते हैं, उसके वजह से सीन सारा ख़राब हो जाता है या सीन में वैसा लुक नहीं आ पाता है। तो मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि टू साइड मटेरियल क्या होता है, एंड वीरे लाइट में एक ऑप्शन है उसमें स्फेरिकल लाइट यूज़ करेंगे। तो पहले तो ये चीज़ एक्चुअली मैं पहला बताना चाहता हूँ कि ये वीरे टू साइड मटेरियल है क्या एंड कहाँ पे बेसिकली यूज़ होता है। तो दोस्तों ये जो वीरे टू साइड मटेरियल है ये लगभग यूज़ होता है आपका साइड टेबल का लाइटिंग, जो लैम्प होता है उसमें यूज़ होता है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ तो सब समझ जाएंगे कि कैसे ये काम करता है ना, आप लोग कहाँ पर ये चीज़ गलती करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बनाया, तो मैं उसको ले आता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आपके साथ। तो इसमें एक लैम्प है, मान लीजिए एक लैम्प है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ इसमें टू साइड मटेरियल यूज़ नहीं करके कुछ और लाइट लगा देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या है, मैं बनाना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इसमें ले लेता हूँ एक मटेरियल, वीरे में काम करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन डाल दीजिए एंड हल्का सा ग्लॉजीनेस, बस ये मैं इसमें डाल देता हूँ। ये ग्रुप है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसमें हम लोग वाइट ही रखते हैं, फुल वाइट, एंड थोड़ा ज़्यादा करके ग्लॉजीनेस डाल देते हैं, रिफ्लेक्शन एंड 0.5 ग्लॉजीनेस। एक ले लेते हैं यहाँ से वीरे प्लेन, इस पर भी हम लोग मटेरियल ले लेंगे। हमारा रेंडर सेटअप भी कर लेंगे, इसमें बकेट ठीक है, जी आई ऑन, एक्सपोनेंशियल ठीक है, सबको एक्सपर्ट में कर देंगे। एंड एक कैमरा ले लेंगे हम लोग। एंड दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहा है, जो लोग का 2016 का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं 3ds Max, वो लोग का कैमरा में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली एक टूल्स नहीं होगा, उसका नाम है वीरे फिज़िकल कैमरा। ये फिज़िकल कैमरा वो लोग को नहीं मिल पाएंगे 2016 वाले लोग को, बाकी सारा वर्जन में है, 15 में है, 17, 18, 19 सभी में है, सिर्फ 16 में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक कमांड टाइप करना पड़ता है मैक्स स्क्रिप्ट में इधर में, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उससे आप वो कैमरा को बना सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक है फिज़िकल कैमरा, को हम लोग ले लेंगे। हाँ, अब मेन चीज़ तो बताया नहीं आपको, ये तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग इसमें एक लाइट लगाते हैं ताकि ये जो लैम्प है
ये इसका रोशनी बाहर की तरफ है, इसमें भी कोई लाइट नहीं है। अगर आप इसको जलाते हैं, जैसे कि अगर रेंडरिंग करेंगे, तो ये पूरा ब्लैक आएगा, सीन में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ लाइट नहीं इधर हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि हम लोग इसमें एक लाइट लगाते हैं, और वो लाइट है वीरे में जाके, वीरे लाइट। एंड ये जो प्लेन है, हम लोग प्लेन को कर लेंगे स्पेरिकल, मतलब स्पेयर। और वीरे प्लेन जो है वो, ये प्लेन लाइट है वो हम लोग लगाते हैं फॉल सीलिंग में बेसिक करके, बहुत सारा जगह लगता है, विंडोज़ पे या कैमरा के बीच, बहुत सारा। तो हम लोग इसमें बेसिकली स्पेयर लगाएंगे। टॉप व्यू में आ जाइए, इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। और फिर मॉडिफाई में जाके, ये जो रेडियस है स्पेयर का, लाइट का रेडियस है, आप इसको छोटा भी कर सकते हो इधर से, एंड इसका मल्टीपल साइज़ बढ़ा सकते हो। लेकिन हम लोग ये नंबर जो लिख रहे हैं, ये सेम, ये रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कितना लाइट देना है आपका सीन में, कितना लाइट लगेगा उसके हिसाब से। एंड मैं इसको थोड़ा सा वार्म लाइट बनाना चाहता हूँ, तो टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा वार्म। बस तो ये आपने समझ गया मैंने यहाँ पे कौन सा लाइट यूज़ किया, वीर लाइट में जाके स्पेयर। एंड इसमें हम लोग ऑप्शन में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, पहले हम लोग रेंडर करके दिखाते हैं आपको, एंड उसका दिखाऊंगा टू साइड मटेरियल क्या होता है। ये देखो, एक सेकेंड, इसमें हमें दिए नहीं मटेरियल, इसका जो ये है ना हेड, इसमें हम लोग देना भूल गए। अगर इसमें आप नहीं दोगे तो, क्योंकि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी बनाया हुआ था, इसके वजह से वो आ रहा था। तो ये क्या आ रहा था, बाहर से लाइट आ रहा था, बेसिकली हम लोग इसमें मटेरियल लिए नहीं थे इसलिए। तो हम लोग इसमें दे देते मटेरियल कोई भी, मान लो थोड़ा सा येलो टाइप का, हाँ। अब देखो क्या होता है, थोड़ा लाइट का पावर और बढ़ा देते हैं। इतना। अब देखो क्या होता है रेंडर करने के बाद, ये जो लाइट है सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके बाहर नहीं आ रहा है। बेसिकली होता है क्या, रियल में ये जो लैंप होता है, इसका जो रोशनी जब हम ऑन करते हैं, तो इसका रोशनी सब जगह फिट होता है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा जो मटेरियल है वो लगा हुआ है, तो हम लोग का नीचे की तरफ वो सिर्फ फ्लो कर रहा है। इसके वजह से हमारा लाइट जो है, और थोड़ा लाइट को तेज कर सकते हैं, PVR ऑन कर लेते हैं पहले। इसमें जाके हम लोग इसको मिनिमाइज इधर से ले लेते हैं लाइट। ये देखो, अब आप समझ पा रहे होगे, देखिए क्या हो रहा है कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं आप लोग को ये दिखाने वाला हूँ कि टू साइड मटेरियल कैसे काम करता है। अगर आप वो यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली आपका जो बाहर जो रोशनी लगाए हैं, जो स्पीयर लगाए हैं लाइट, वो बाहर की तरफ एकदम लाइट नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेरे टू साइड मटेरियल, तो वो आएगा, आपको मिलेगा मटेरियल में, इम्प्रेस करोगे। एंड एक मटेरियल ले लेंगे, वेरी मटेरियल, हाँ यहीं पे आपको टू साइड मटेरियल ये हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग कर देंगे कीप ओल्ड मटेरियल, ओके कर लेंगे। एंड इसको हम लोग कॉपी करके इधर में हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि
ये जो मटेरियल है अंदर की तरफ भी लगे बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली, जो जब हम लोग का रोशनी जब आएगा तो बाहर की तरफ भी फेड आउट होगा। तो जैसे दिखा देते आपको करके, ऑल अब अगर हम F9 प्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली हम यही दिखा रहे थे। तो स्टार्टिंग में हम लोग रेंडर के तो वो दिख गया था, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी क्या हुआ था, मटेरियल चेंजेस नहीं किए इसकी वजह से। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये लैम्प का बाहर की तरफ भी वो रोशनी आ रहा है। एग्जैक्टली देख पा रहे हो, इसमें आप लाइट और बढ़ा सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं हम लोग। इसमें लाइट में जाके हम लोग फिर से वो ऑन कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ से चेंजेस करके देख लेते कितना लाइट लगेगा। इसके यहाँ से हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब फाइनल रेंडर करते हैं हम लोग, अब दिखाते हैं कि क्या हुआ। हाँ, तो बेसिकली दोस्तों हम ये दिखाना चाहते थे आज कि टू साइड मटेरियल को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली लैंप पे यूज़ होता है। ये ना करके बहुत लोग क्या करते हैं कि यूज़ नहीं करके वो सीधे लाइट डायरेक्टली नीचे की तरफ फ्लो होता है वो, अगर ये मटेरियल नहीं लगाएंगे तब। तो आप आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे, जो सीखना चाहते हैं वो समझ गए होंगे। लगा हो तो प्लीज़ इसको कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड एक बात और दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो बेसिकली एक रिक्टेंगल के ऊपर रहेगा, उसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे टू साइड मटेरियल। तो एक और स्मॉल सा वीडियो बना देंगे ताकि उससे आपका और डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएगा उसमें और बढ़िया से। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।